डी स्टूडेंट्स अभी जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं उसमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कामुलेटिव ट्रामा डिस कामुलेटिव ट्रामा डिसडर क्या है इसका जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्यों आपकी सेहत को इफ़ेक्ट कर सकती है ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं कामुलेटिव ट्रामा डिसडर सी टी डी इज एन अम्बरेला टर्म

बाई चॉइस नहीं है आप इम्प्लाई को फोर्स कर रहे हैं कि उसने ये काम करना है या आकवर्ड मूवमेंट इम्प्लाई की इम्प्लाई को भी सम टाइम पता नहीं चलता उसकी मूवमेंट ठीक नहीं होती फॉर एग्जाम्पल आप इम्प्लाई चेयर पे बैठा हुआ है तो पीछे बैलेंस हो के आराम से वो नहीं बैठ रहा बल्कि आगे को बैंड है ऐसे जब इम्प्लाई ऐसे आगे को बैंड दिए स्टूडेंट्स होगा तो उसकी जो पॉस्चर जेस्चर मूवमेंट्स है वो ठीक नहीं होगी जब पॉस्चर जेस्चर मूवमेंट्स ठीक नहीं होगी तो चांसेस है कि इंप्लाई किसी किस्म की इंजरी का बायस बन सकता है वो मूवमेंट उसकी तो इसको हम लोग बोलते हैं कमुलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर्स अदर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स इंक्लूड्स वो किन की वजह से ये चीजें पॉसिबल हैं नंबर वन पुअर पॉस्चर पॉस्चर का मतलब ही मूवमेंट्स है पार्ट्स ऑफ बॉडी की मूवमेंट्स इसको पॉस्चर हम बोलते हैं पुअर पॉस्चर कि आप लोगों की मूवमेंट ऑफ बॉडी रिलैक्सिंग होनी चाहिए बॉडी के पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो रिलैक्स होने चाहिए ऑर्गन ऑफ बॉडी रिलैक्स होने चाहिए आगे हम बोलते हैं एन इम्प्रॉपरली डिजाइन वर्क स्टेशन आपने जहाँ बैठ के काम करना है वो जो वर्क स्टेशन है आपका वर्क प्लेस है वो हेल्दी नहीं है या वो कंफर्टेबल नहीं है अनकंफर्टेबल है या जो सीटिंग कैपेसिटी है जहाँ पे आपने बैठना है वो ठीक नहीं है या क्राउडेड है ओवरली क्राउडेड है या वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्मोक या इस तरह की चीज़ें या कंटेमनेटेड वाटर इस किस्म की चीज़ें वहाँ मौजूद हैं तो वो तमाम चीज़ें आपकी हेल्थ काज और किस तरफ डिजीज की तरफ ले जाने का बायस बन सकते हैं पुअर टूल डिज़ाइन पुअर टूल डिज़ाइन जॉब स्ट्रेस इन सब चीज़ों का लिंक डियर स्टूडेंट्स जॉब स्ट्रेस के साथ है अगर वर्किंग एन्वायरमेंट में जॉब स्ट्रेस ना हो आप बिलीव मी आप मुझ पर बिलीव करें कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एम्प्लाई की प्रोडक्टिविटी इहांस हो जाएगी और जब ये चीज़ें इनहांस होंगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस भी इन्हांस हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कामुलेटिव ट्रामा डिसडर आर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए और इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए और ये देखें कि वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लाई के लिए बेहतर हैं उस तरफ हम मूव करें नेक्स्ट कामुलेटिव ट्रामा अकर टू द मसल्स नर्व्ज एंड ट्रेंडें हैंड्स आर्म्स शोल्डर्स एंड नैक ये जितने भी नाम डी स्टूडेंट्स मैंने लिए हैं ये वो सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट हो सकती हैं ये चीज़ें जब इफ़ेक्ट हो जाएंगी तो ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में नहीं जाएँगी अगर एक एम्प्लॉई मैंटली सिक है मैंटली इल है फिज़िकली सिख है फिज़िकली इल है या प्रॉब्लमेटिक है तो आप मुझे ईमानदारी से बताएँ क्या वो इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम करेगा क्या वो इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड होगा क्या वो एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइल होगा क्या वो इम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी में रिलेशनशिप होगा डेफिनेटली नहीं होगा तो इसलिए इन चीज़ों को देखने के लिए कम्युलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए इम्प्लॉई की फ़िज़िकल इंजरीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिनकी मदद से वो जो इम्प्लॉइज़ हैं वो अपने आप को हेल्दी फील करें अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम टेम्प्रेरी पार्ट टाइम शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल थ्रोपिस्ट या जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई को फॉरन ट्रीट करके प्रॉपर केयरिंग एटीट्यूड के साथ उनको दोबारा उनके पाँव पर खड़ा करने का बायस बने क्लासीफिकेशन ऑफ कामुलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर कामुलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर की डेफिनेशन को जानने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि ये किस किस्म की हो सकती है इसकी टाइप्स क्या हैं और किस तरह ये चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं ये नॉर्मली मेडिकल रिलेटेड टर्म्स हैं आप इनको फर्दर गूगल कर सकते हैं लेकिन इनको डेफिनेशन की हद तक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ द मोस्ट कॉमन कामुलेटिव ट्रामा डिसगनाइज इन टू फोर ब्रॉड क्लासिफिकेशन नंबर वन मसल एंड टेंडन डिसऑर्डर्स मसल अगर आपकी जेस्चर पॉसि ठीक नहीं है आपको मस्कुलर पेन मस्कुलर पेन यहाँ पे लेग्स पे आर्म्स पे या किसी जगह पे भी या नेक पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और आपको मालूम है कि मस्कुलर पेन फर्दर पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ का बायस बन सकती है देन कैमिकल रेडिकुलोपैथी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो चीज़ें जो आपको मैंटली डिसऑर्डर का बायस बनती हैं उन चीज़ों को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है टनल सिंड्रोम्स नर्व एंड सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली है नर्व अगर नर्वस सिस्टम आपका ठीक है मेंटल सिस्टम ठीक है और आपकी जो नर्व सिस्टम चल के पूरे जिसम को कंट्रोल करता है वो ठीक है इस सब का चीज़ों का बेटा लिंक है मेंटल स्ट्रेस के साथ इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस बिलीव मी कि ये जो क्लासिफिकेशन है कॉमुलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर्स की वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए होंगी और ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें दोबारा एग्जिस्ट नहीं करेंगी ऑटोमेटिकली जो इम्प्लाई है वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम करेगा और अपने आप को फिजिकली हेल्दी और फिट फील करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में कॉमुलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर या इसकी क्लासिफिकेशन के जो पॉइंट्स हैं ये आर्गनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे